रिया एमएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धर्मशाला में बनेगी अत्याधुनिक डीएनए लैब। राइफल डील, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। सेंट्रल जेल में छठ पूजा। धर्मशाला में बनेगी अत्याधुनिक डीएनए लैब, सीएम जयराम ठाकुर ने किया शिलान्यास। कांगड़ा दौर पर गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को धर्मशाला में क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब उत्तरी रेंज कार्यालय में डीएनए लैब परिसर का शिलान्यास किया। पिछले काफी समय से धर्मशाला में डीएनए लैब के कार्यालय की मांग की जा रही थी, ताकि केसों के लिए शिमला न जाना पड़े। केंद्र ने वायुसेना के लिए 36 राइफल लड़ाकू विमान सौदे की कीमत का जो ब्यौरा सील बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपा है, न्यायालय आज उसकी जांच करेगा। सेंट्रल जेल में छठ पूजा, मुस्लिम महिला कैदियों ने भी मनाया महापर्व। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ के अंतिम दिन जिले में चारों ओर रौनक दिखी। शहर के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं इसके अलावा जिले के सेंट्रल जेल में भी महिला कैदियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।